आपके लिए पेट्रोल डीजल महंगा है कि नहीं ये बताइए। मेरे लिए तो फिलहाल तो नहीं महंगा, नहीं महंगा है। डेली दूध तो का भराते हैं, भराते हैं दूध तो डेली है, दूध तो कमाना नहीं है, हमें डेली भराना है। अच्छा, कहाँ से ये मंत्र मिला कि आपको महंगा नहीं लगता? आपको महंगा लगता है भैया पेट्रोल डीजल? तो लगता होगा, हमको नहीं पता। हम डेली दूध का भराते हैं, हमें दूध में कितना दे रहा है ये नहीं पता। भाई दूध का डेली भरा, मंत्र वगैरह है आपके पास जिससे ये महंगा ना लगता हो? जानते क्या, महंगा तो है जी। हम देखिए, हम सच्ची बता रहे, महंगाई तो है जी। कुछ खास किया है अखिलेश ने? अखिलेश यादव ने बहुत काम किया। जैसे देखिए, एक्सप्रेसवे बनवाए, लैपटॉप बांटे, बहुत कुछ किए अखिलेश यादव ने। काम अखिलेश यादव ने। अच्छा, ये अखिलेश यादव इतना ही काम किए तो पिछली विधानसभा चुनाव में क्या स्थितियां रही कि मतलब गड़बड़ा के लल चाचा भतीजा में? अच्छा, दो आदमी का तो चर्चा ही, कांग्रेस कहां गया? कांग्रेस गया, गया यहां से, यूपी से कांग्रेस गया। यूपी से कांग्रेस गया, यूपी से गया। एकदम पक्का? पक्का है। बताइए बताइए। अरे भैया भाग कह रहे हो? अरे आप भागिएगा तो कैसे काम चलेगा? नाम बताइए। विनय गुप्ता। नाम बताने में क्या लगा है? विनय गुप्ता। अरे वाह, विनय गुप्ता जी हमारे साथ है। अच्छा विनय, यही बताइए, जो बतिया बोले वो सही है? हाँ बिल्कुल, जो विकास किए हैं जी। बिल्कुल सही है। कहाँ विकास है? बहुत विकास है। तो कचड़वा में गुंडागर्दी नहीं है? गोरखपुर में ठेला वाला से पैसा नहीं लिया जाता है, वो नहीं लिया जाता है कुछ। अच्छा, ये बताइएगा, लोग आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ पे कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सबको देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको देखते हैं। योगी जी धर्म की राजनीति करते हैं तो आपको ये ज्ञात होगा कि योगी जी के जो गोरखनाथ मंदिर पे जो खाना बनाते हैं वो भी एक मुस्लिम ही है। हम लोग के तो क्षेत्र में 2-3 घंटे ही मिलते थे, अगर साला ट्रांसफार्मर जल जाए तो 1-1 महीने बदलने में ही लग जाता था। अभी स्थिति यह है कि अगर आज ट्रांसफर चल रहा है तो कल शाम तक या कल सुबह तक बदला जा रहा है। बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में आपका स्वागत है। गोरखपुर जहां से योगी आदित्यनाथ सांसद थे और वर्तमान में इसी प्रदेश से निकल करके प्रदेश की राजनीति में उभरे और अपना एक मुकाम बनाया, एक जगह बनाई, एक स्थान बनाया। क्या कुछ सोचते हैं गोरखपुर के युवा, उनके बारे में जानते हैं गोरखपुर के युवाओं से। क्या शुभ नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। संजय जी, जरा आप बताएंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है योगी आदित्यनाथ की? देखिए, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे क्योंकि जो स्थिति गोरखपुर की पहले थी और जो अब है तो काफ़ी सुधार हुआ है गोरखपुर। क्या सुधार हुआ है? नदियों में पानी है, पानी में गंदगी है, ये सुधार है? ये तो प्राकृतिक है, इसको तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो नहीं टाल सकती है। अब आप देख सकते हैं कि ये पहले यहाँ पे लाश को जलाया जाता था, लेकिन अभी वो योगी जी बनवाया तो अब ऊपर जलाया जा रहा है, नहीं तो स्थिति ये रहती कि यहाँ पे नहीं जलाया जा सकता जी बारिश के मौसम में। तो ये जो प्राकृतिक है वो तो कोई भी नहीं टाल सकता है। क्या विकास आपके हिसाब से, विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा देखिए, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। अगर देश में ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था सही रहेगा तो देश विकास करेगा। थोड़ा सा सामने घूम जाइए आप। देश में अगर ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था सही रहेगा तो देश विकास करेगा, लाइट की सुविधा रहेगी तो हर चीज़ के में अच्छा रहेगा जी जी। और हमारे ख्याल से तो अगर हम लोग देखा जाए तो पहले गांव में मुश्किल से 2-3 घंटे ही लाइट मिल पाती थी, अभी 18 घंटे लाइट मिल रहा है पूरा। अखिलेश जी थे तो लाइट नहीं मिलता था? बिल्कुल, 2-3 घंटे मिलता था। हम लोग के तो क्षेत्र में 2-3 घंटे ही मिलते थे, अगर साला ट्रांसफार्मर जल जाए तो 1-1 महीने बदलने में ही लग जाता था। अभी स्थिति यह है कि अगर आज ट्रांसफर चल रहा है तो कल शाम तक या कल सुबह तक बदला जा रहा है सारा सिस्टम। क्या नाम है आपका? संदीप। अच्छा, ये बताइएगा, लोग आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ पे कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सबको देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको देखते हैं। योगी जी धर्म की राजनीति करते हैं तो आपको ये ज्ञात होगा कि योगी जी के जो गोरखनाथ मंदिर पे जो खाना बनाते हैं वो भी एक मुस्लिम ही है जी। अगर वो धर्म की राजनीति करते तो वो अब तक नहीं होते खाना बनाने के लिए। और योगी जी के अगल बगल जो भी मुस्लिम क्षेत्र है गोरखनाथ मंदिर के, तो अगर उन लोगों को कोई तकलीफ होता है तो हमारे ख्याल से जहाँ तक हम जानते हैं तो योगी जी को प्राथमिकता दी जाती है कि हाँ योगी जी के पास पहले पहुँचते हैं। योगी जी के पास पहले पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? बताइए बताइए। अरे भैया भाग कह रहे हो? अरे आप भागिएगा तो कैसे काम चलेगा? नाम बताइए। विनय गुप्ता। नाम बताने में क्या लगा है? विनय गुप्ता। अरे वाह, विनय गुप्ता जी हमारे साथ है। अच्छा विनय, यही बताइए, जो बतिया बोले वो सही है? हाँ बिल्कुल, योगी जी विकास किए हैं जी। बिल्कुल सही है। कहाँ विकास है? बहुत विकास है। तो कचड़वा में गुंडागर्दी नहीं है? गोरखपुर में ठेला वाला से पैसा नहीं लिया जाता है, वो नहीं लिया जाता है कुछ। पहले कौन लेता था पैसा ठेला? मालूम नहीं कौन लेता था, हम भी ऐसा सुने हैं। अच्छा, आप भी सुने हैं? हाँ। देखे नहीं है? देखे नहीं है, हम ठेला थोड़ी लगाते हैं। इस बार योगी जी आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हमारे महाराजगंज जी जैसे तो हर हर बोल के देते हैं। अभी कल आए महाराजगंज से। एकदम जीत रहे हैं आप? हाँ, योगी जी तो हम परमानेंट रहेंगे। अच्छा ये बताइएगा, योगी जी परमानेंट रहेंगे आप कहते हैं, रोजगार की क्या स्थिति है आपके गोरखपुर में? रोजगार की क्या स्थिति? बढ़िया स्थिति है, जो कमाएगा नहीं तो उसका रोजगार कैसे चलेगा? कमाना चाहिए तब ना रोजगार बढ़ेगा। कैसे कमाएगा, काम धाम तो मिल नहीं रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? काम करिएगा तब ना काम मिलेगा। कहाँ काम है बताइए तो?
अरे चलिए गोरखपुर छोड़िए। ए भैया आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि बड़ी काम है गोरखपुर में, हम इनसे पूछते हैं कहाँ काम है और वहीं आप लोग आकर के अप्लाई कीजिए। उधर फर्टिलाइजर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ चालू हो रहा है, बन रहा है ना, उस काम चल रहा है ना? काम चल रहा है हाँ। तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, इसका मतलब आप पक्का योगी जी को जिताइएगा? बिल्कुल जिताएंगे, जिताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अभी मेरी कुछ युवाओं से यहाँ बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि पहले की सरकारों में गोरखपुर में गुंडा टैक्स लगता था, अब इससे मुक्ति है, क्या सच्चाई है? सही है, सही है। पहले के सरकार में क्या था कि हम सपा सरकार हैं तो मुलायम सिंह और अखिलेश जी से पहले जो उनके सपोर्टर थे वो खुद अपने आप को सरकार समझते थे, मुख्यमंत्री समझते थे। तो अब योगी जी के सरकार में ऐसा नहीं है, वो अच्छा जाति धर्म देख के कार्रवाई होती है क्या अब उत्तर प्रदेश में कि फलाने जाति का है फलाने धर्म का है तो उसको दंडित नहीं करेंगे किसी गलती में? ऐसा नहीं है, हमारे संज्ञान में खुद कुछ घटनाएं थी जो योगी जी के समीप रहते हुए भी अगर कुछ गलती किए हैं सब, तो उन लोगों को जेल हुआ है। सबको सामान्य रूप से देखा जाता है, सबकी सरकार, सबका साथ सबका विकास? हाँ, सबका साथ सबका विकास, पूरा कॉन्फिडेंस है? हाँ, कॉन्फिडेंस है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार थोड़ा सा दर्शकों को हाथ हिला करके हेलो कर दीजिए आप लोग। हेलो, आप तो भैया अलग से कर दीजिए, आप बड़ी जोर से भागे थे, एक बार और हेलो कर दीजिए आप। क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार निषाद। निषादों की बहुलता है गोरखपुर क्षेत्र में, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है, किसके साथ है निषाद गोरखपुर के? हम लोग तो योगी भक्त हैं और योगी जी की ही सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार बनेगी और योगी जी को ही आजीवन वोट देंगे। ऐसा क्या खास कर दिया योगी ने आपके लिए? बहुत कुछ कर दिया, ये सब जो बना है राम घाट शिव घाट जी, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, नालियां बनी हैं, रोडवेज नौसड़ का बस स्टैंड बना है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ बना है, इतना डेवलप हुआ। जब तक रहेंगे तब तक योगी के साथ रहेंगे? एकदम बिल्कुल, कोई शक नहीं है। एम्स बना है जी, एम्स तो लेकिन अखिलेश जी की देन है गोरखपुर में? ऐसा कुछ नहीं है, जिसके शासन में बना है उसका देन है, जिसके शासन हाँ, और तब का आज तक रोडवेज नहीं बन पाया जी। क्यों नहीं बन पाया? लेकिन तो उन्होंने आकर के वहीं पर भाषण दिया था, उसके बाद सप्ताह माने के बाद तुरंत बना। ये भाजपाई है? अरे कोई बात नहीं, आप ही से शुरू। वो भाई साहब भाजपाई हैं और आप? हम तो समाजवादी। समाजवादी, गमछा नहीं दिख रहा हमारा। अच्छा हाँ, सप्पाई। क्या कारण है सप्पा, यहाँ तो अधिकतर लोग योगी जी आदित्यनाथ के साथ हैं? नहीं, हम लोग अखिलेश यादव के साथ हैं। क्या कुछ खास किया है अखिलेश ने? अखिलेश यादव ने बहुत काम किया है, जैसे देखिए एक्सप्रेसवे बनवाए, लैपटॉप बांटे, बहुत कुछ किया अखिलेश यादव ने। काम अखिलेश यादव ने? अच्छा, ये अखिलेश यादव इतना ही काम किए तो पिछली विधानसभा चुनाव में क्या स्थितियाँ रही कि मतलब गड़बड़ा गए लल चाचा भतीजा में? बस चाचा भतीजा में गड़बड़ा? अब की ठीक बा? अब की ठीक बा। अभी तक 5 दिन पहले कहते हैं चाचा उनकर कि अखिलेश हमारा के भाव नहीं खन देते, सद का भाव तो जोगी दे, उनको मंत्री बनाएंगे। उनको मंत्री बनाएंगे? बोले नहीं है अंदर की खबर आपको कैसे पहुंची? अरे अभी बोले नहीं है, बोले हैं मीडिया में आया था कि चाचा को मंत्री बनाएंगे, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार बनेगी। तो लालू यादव है? लालू यादव आइए बताइए। लालू जी क्या लगता है सर, किसकी सरकार बनने वाली है आपके उत्तर प्रदेश? मेरी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। कहने से नहीं होगा, जब वोट पड़ेगा तब पता चलेगा ना। अच्छा, दो आदमी का तो चर्चा ही, कांग्रेस कहाँ गया? कांग्रेस गया यहाँ से, यूपी से कांग्रेस गया। यूपी से कांग्रेस गया? यूपी से गया, एकदम पक्का? पक्का है। अच्छा ये बताइए, योगी जी कुछ किया है आपके क्षेत्र के लिए? अब रोड अगर जाके आप देख लेंगे ना, सूर्य प्रताप शाही का एरिया है मेरा, पत्थरदेवा विधानसभा देवरिया जिला जी। तो एक बार जाके जब महुआ डी से अगर आप निकलेंगे हतिमपुर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना किए हैं। ठीक है, बस सब मतलब सब प्रचार तंत्र है एकदम समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, सरकार बन रही है अखिलेश यादव की। बिल्कुल। चलिए बढ़िया, क्या शुभ नाम है अभी आपका? प्रमोद जायसवाल। प्रमोद जायसवाल, किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? किसी की बने, वैसे समाजवादी पार्टी बन रही है। निश्चित? हाँ निश्चित। अभी तो भाई साहब कह रहे थे, भाई साहब बोले हैं, बात सही है, भाजपा वाले थे लेकिन उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ना भाजपा ही है, ना समाजवादी पार्टी से, ना कांग्रेस से है। ठीक है, पार्टी किसी की भी हो, सपा वैसे जो क्षेत्र में विकास का काम करे, जो युवाओं के बात प्रति देखा जाए तो समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है। हम तो अखिलेश यादव के। एक चीज बताइएगा, जैसे अगर गोरखपुर की हम बात करें तो रोजगार की क्या स्थिति है गोरखपुर में? रोजगार आप देख ही रहे हैं, कहते हैं 4 लाख नौकरियां दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा है, बेरोजगार सभी लोग ही दिख रहे हैं। ठीक है, इतना
विकास हो रहा उतना विकास हो रहा, लेकिन जो भी विकास हो रहा है समाजवादी पार्टी का किया हुआ है। ठीक है, बताइएगा, जैसे अगर हम हाल के दिनों में देखें तो बहुत सारी बातें हो रही हैं महंगाई को लेकर के, तो इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? जिम्मेदार अब किसको माना जाए, लोग कहते हैं सरकार जिम्मेदार, कुछ लोग कहते हैं जनता जिम्मेदार है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कौन जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो बोला कि विकास के बारे में, तो विकास अगर देखा जाए तो विकास तो समाजवादी पार्टी का ही किया हुआ है, कोई भी एक्सप्रेसवे हो, कोई भी प्रेस हो, मतलब जो भी सारा चीज़ जी सपा सरकार का मतलब प्रस्ताव है। ठीक है, और गवर्नमेंट इनका है तो इनके सरकार में हो रहा है काम। महंगाई परेशान कर रही है आपको? एकदम परेशान कर रही है, जरूर परेशान कर रही है। अच्छा ये बताइएगा भैया, महंगाई आपको परेशान कर रही है? बहुत ज़्यादा भैया। कैसे परेशान कर रही है महंगाई आपको? पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए, सबका दाम तो बढ़ा ही हुआ है। भाई सब कह रहे हैं 50 रुपये का पेट्रोल भराना पड़ रहा है। हाँ सही बात है, अभी डलवा के आए 50 का, 50 का डलवा है, 20 रुपये बचा फुल्की खा लिए। अरे महाराज, देखेंगे आप कि जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के त्रस्त हैं कि महंगाई भी जो एक आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन के निकलने वाला है। महंगाई आपके हिसाब से क्या स्थिति है महंगाई की उत्तर प्रदेश में? महंगाई में क्या है, पेट्रोल डीजल बढ़ा है उसी पर लोग कह रहे हैं महंगाई है। क्या आपको महंगा नहीं लग रहा पेट्रोल डीजल? अच्छा एक बात, ये कौन कह रहा है कि पेट्रोल डीजल, सरकार क्या इसमें क्या किससे क्या फ़ायदा ले रही है? किसी से नहीं, खाली पेट्रोल डीजल से ले रही है जी। और जो वो जो पेट्रोल डीजल से सरकार को दो पैसा मिल रहा है, हमारे गवर्नमेंट के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं से ना तनख्वाह बटेगी सबको जी, और किससे सरकार फायदा उठा रही है? सब तो चीज़ बंद है, लॉकडाउन है। अच्छा आप बताइए किस चीज़ पर टैक्स नहीं देते हैं आप? इसमें क्या सरकार, सब तो कारखानों का डूबा है। आपको ये पता है कि आप 5 रुपये का साबुन खरीदते हैं, उस पर भी सरकार का टैक्स होता है? हाँ होता है। तो ये क्यों कह रहे हैं आप कि केवल पेट्रोल डीजल ही एक ऐसा साधन है जिससे वो टैक्स? आखिर जब पेट्रोल डीजल महंगा है, ठीक है, तो फालतू लोग क्यों पेट्रोल? आपके लिए पेट्रोल डीजल महंगा है कि नहीं ये बताइए? मेरे लिए तो फिलहाल तो नहीं महंगा। नहीं महंगा है, डेली 200 रुपये का भराते हैं। दूध डेली है, दूध तो कमरा नहीं है, हमें डेली भराना है। अच्छा कहाँ से ये मंत्र मिला कि आपको महंगा नहीं लगता? आपको महंगा लगता है भैया पेट्रोल डीजल? तो लगता होगा, हमको नहीं पता, हम डेली दूध का भराते हैं, हमें दूध में कितना दे रहा है ये नहीं पता, बस दूध का डेली भराते हैं। मंत्र वगैरह है आपके पास जिससे ये महंगा ना लगता हो? जानते क्या, महंगा तो है जी, हम देखिए हम सच्ची बता रहे हैं, महंगाई तो है जी, लेकिन आदमी को सोचना ये महंगाई क्यों है जी, ये सब लोग सोचे, एक आदमी सोच के क्यों, क्यों महंगाई है आप ही बता दीजिए। हम अकेले बम नहीं फोड़ देंगे महंगाई के बारे में। क्यों महंगाई है, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपके हिसाब से महंगाई क्यों है? अब तो आप चैनल वाले हैं, मीडिया वाले हैं, हमसे ज़्यादा तो आप जानते होंगे, तो आप बताएंगे महंगाई क्यों है। आपके स्तर से भी थोड़ा जान लेते? नहीं मेरे स्तर से ना जानिए, आप अपने स्तर से बताइए। चलिए, वैसे तो भाई साहब पहले बोल रहे थे कि महंगाई कुछ खास नहीं है, लेकिन अंततः इन्होंने माना कि पेट्रोल तो थोड़ा महंगा है ही, और उसके साथ ही साथ महंगाई हमारे समाज में घर कर चुका है। वस्तुतः इन्होंने अंत में इस बात को माना है ना सर आपने? माना, माना है इन्होंने। चलिए आप देख रहे थे डी पीपल वॉइस, शुक्रिया।